इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का और उसको बनाएंगे टर्बो सी कंपाइलर। तो देखिए, हमने ये प्रोग्राम पहले डिस्कस किया था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीन मैट्रिक्स लेंगे ए बी एंड सी। ए और बी को हमें मल्टीप्लाई करना है और जो रिजल्ट आना है वो किस में आना है, मैट्रिक्स सी में। तीन वेरिएबल लेंगे आई जे के, आई रो के लूप के लिए, जे कॉलम के लूप के लिए और के जो हम ए इन टू बी कैलकुलेट कर रहे हैं उस लूप के लिए, और एल लेंगे मैट्रिक्स के ऑर्डर को इनपुट कराने के लिए। तो सबसे पहले हमने क्या इनपुट कराया, मैट्रिक्स का ऑर्डर, वो किस में इनपुट कराया, एन में। तो हमारे पास एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स जनरेट होगी। तो आपने पहले मैट्रिक्स ए को इनपुट कराया दो फॉर लूप से, आई और जे के, रो और कॉलम के लूप से ए को इनपुट कराया। फिर आपने किसको इनपुट कराया, सिमिलरली आपने किसको इनपुट कराया, पी को। अब हमारा लॉजिक आया, प्रोग्राम का लॉजिक। तो हमने कहा था तीन लूप चलेंगे, एक रो के लिए, एक कॉलम के लिए और एक ए इंटू बी कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि ए इंटू बी भी हमारा क्या हो रहा है, एक से ज़्यादा बार कैलकुलेट हो रहा है। तो क्या होगा, जब तक सारे ए इंटू बी कैलकुलेट नहीं होंगे तो जे की वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी, इसलिए के का लूप, क्योंकि के का लूप हमारा क्या कैलकुलेट कर रहा है, ए इंटू बी। तो के जब के का लूप कंप्लीट होगा तब जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, जब जे कंप्लीट होगा तब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। इसलिए नेस्टिंग क्या हुई, आई के अंदर जे की और जे के अंदर के की। के के लूप ने कैलकुलेट किया सी आई जे, यानी आई जीरो जे जीरो तो सी जीरो जीरो कैलकुलेट होगा, आई जीरो सी जे वन तो सी जीरो वन कैलकुलेट होगा। ऐसे सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, कैलकुलेट हो जाएंगे। तो फॉर्मूला तो क्या था हमारा, सी आई जे इक्वल टू सी आई जे प्लस ए आई के इंटू बी के जे। ये फॉर्मूला कैसे आया था, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको कैलकुलेट करके दिखाया था। तो ये जब लूप कंप्लीट होंगे आई जे और के तो सी में क्या आएगा, मैट्रिक्स सी में आपका ए और बी के एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन। आप प्रिंट करा के देख लें तीनों मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स ए को प्रिंट कराएं, मैंने कहा था कंपाइलर में प्रिंट कराने के लिए, आप किस फॉर्म में कराएं, मैट्रिक्स के फॉर्म में कराएं। सिमिलरली आप बी को मैट्रिक्स को करा लें कि बी मैट्रिक्स आपकी क्या थी, और उसके बाद आप रिजल्ट को प्रिंट करा लें कि आपकी सी में क्या वैल्यू कैलकुलेट होकर आई है। प्रोग्राम को रन कराते हैं, ऑल्ट आर, मान लीजिए ऑर्डर दिया आपने टू, पहले एलिमेंट में वैल्यू दी वन 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 वन, मैट्रिक्स बी की वैल्यू दी टू 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 टू, तो क्या आ गया, मैट्रिक्स ए इज़ वन 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 वन, मैट्रिक्स बी इज़ टू 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 टू, और मल्टीप्लिकेशन क्या आ गया, फोर 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 फोर, कैसे, वन फर्स्ट रो, फर्स्ट रो में क्या वैल्यू है मैट्रिक्स ए के, वन और वन, और फर्स्ट कॉलम में मैट्रिक्स बी की क्या है, टू और टू, तो वन इंटू टू प्लस वन इंटू टू, तो टू प्लस टू कितना आ गया, फोर, ठीक है। और आप डिफरेंट वैल्यू में भी चेक करा सकते हैं, वाली ऑर्डर दिया वन, इसके लिए वन टू थ्री फोर, इसके लिए मान लो टू थ्री फोर फोर फाइव, तो ये आ गया, देखिए, तो फर्स्ट रो वन इंटू टू कितना हो गया, टू प्लस फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम, सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड कॉलम से, तो टू इंटू फोर कितना आ गया, एट, तो एट प्लस टू कितना आ गया, टेन। ऐसे फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से करेंगे, वन इंटू थ्री थ्री, टू इंटू फाइव टेन, तो टेन प्लस थ्री कितना आ गया, थर्टीन। अब सेकेंड रो को करेंगे फर्स्ट कॉलम से, तो थ्री इंटू टू सिक्स, और फोर इंटू फोर सिक्सटीन, तो सिक्सटीन प्लस सिक्स कितना आ गया, ट्वेंटी टू। सिमिलरली थ्री इंटू थ्री नाइन, फोर इंटू फाइव ट्वेंटी, तो नाइन प्लस ट्वेंटी कितना हो गया, ट्वेंटी नाइन, तो मैट्रिक्स का क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।